मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र जयंत प्रतिशत जिनवाणी माता एक और जहां पर सुदृढ़ दृष्टि देती है, अंतर दृष्टि देती है, दृढ़ भेद विज्ञान देती है, शुद्धात्मा का अनुभव देती है, तो दूसरी ओर से बाहर का इतना सूक्ष्म विवेक भी दिखाती है, जिसकी चर्चा इन दिनों हम कर रहे हैं। जिन्होंने शुद्धात्मा की दृष्टि पाई है, स्वानुभूति पाई है, रत्नत्रय पाए हैं, यदि उनकी विचारधारा चलती है तो वो कैसी होती है, इसका रूप हम देख रहे हैं। ये बात तय है, मिथ्या दृष्टि को देह में आनंद लगता है, भोगों में आनंद लगता है, परिजनों में आनंद लगता है, तो वे दिन रात उसमें मग्न रहते हैं और उसी को बढ़ाने का उद्यम करते हैं। परंतु जिन्होंने परद्रव्य और प्रभावों से न्यारा शुद्धात्म तत्व का निर्णय किया है, साथ ही अनुभूति की है, ऐसे सम्यक दृष्टि, संयमी अनुव्रति और महासंयमी ऐसे दिगंबर मुनिराज, उनके चिंतन में, उनके चित्त में, उनके औदय भाव में कैसी धारा बहती है, किस तरह की सावधानियां हुआ करती हैं, उसकी चर्चा अपन लोग समाधि मरण या मृत्यु महोत्सव के नाम से कर रहे हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि इसे कोरा चरणालयों नहीं समझना, इसमें आत्मिक परिणामों की अत्यंत सरसता है। जैसे आप अत्यंत भाव सहित विवाह आदि के आयोजन करते हो, मकान बनाते हो, व्यापार करते हो, धन बढ़ाते हो, उससे कहीं अनंत गुने सरसता के साथ, भक्ति के साथ ज्ञानियों के जीवन में समाधि की तैयारी होती है, वो चर्चा अपनी चल रही है। सोनगढ़ में भी बहनें बताती हैं वहां की कि जब बहन श्री वगैरह थी, शांता बहन, चंबा बहन वगैरह, तो यह चौमासे में, चतुर्मास में स्पेशली भगवती आराधना की चर्चा, स्वाध्याय, इसका पठन पाठन बहुत विस्तार से करती थी। वहां पर भी उनको बहुत भक्ति वर्तती थी, उनके कमरे में भी यही चित्र, अच्छे साइज में ये चित्र रहता था। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानियों के जीवन की तो एक कामना ही है कि कब इस देह को छोड़कर आत्मस्वरूप में रमकर हम सिद्धालय में पहुंचे, अनंत काल के लिए अमर हों, असली समाधि भावना तो यही है। लेकिन अभी मुक्ति डायरेक्ट तो यहां से मिलती नहीं। ज्ञानी शुद्धात्मा को भी जानता है और पर्याय की जो निर्बलता है उसको भी जानता है, इसलिए बुद्धिपूर्वक बाहर की तैयारियां कैसी होनी चाहिए उसके द्रव छेद काल भाव संबंधी चर्चा अपन कर रहे हैं। द्रव की चर्चा की थी, क्षेत्र की चर्चा करना थी या कर ली थी कल, लेकिन थोड़ी से सुझाव इसमें कदाचित रह गए हों, तो हम यहां पर एक सजेशन, इस सुझाव देना चाहते हैं कि पराधीनता में तो कहते ना, पराधीन सपने सुख ना हो, पर घर पराधीनता उसमें तो नहीं हो सकता। यदि आप थोड़े भी संपन्न हो, हम तो कह रहे हैं आप मध्यम दर्जे के भी हों, तो भले ही एक कच्चा कमरा तैयार करें, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही प्लाट में, अपने ही योग क्षेत्र में, जहां आपको लगता है समाधि मरण हो सकता है, वहां एक छोटा सा योग्य कमरा, भले ही कच्ची मिट्टी का बनाए, लेकिन एक अपना योग्य कमरा जिसमें विषय भोग आदि ना हो, जिसमें बी कथा आदि ना होते हो, जिनमें और अन्य व्यापार ना होते हो। हमने कई भाइयों को देखा है जिनको थोड़ी समाधि की भावना रहती है, वे प्राय अपने घर में एक स्वाध्याय कक्ष जैसा बनाते हैं। ये अच्छी परंपरा है, एक स्वाध्याय कक्ष में जिनवाणी माता को विराजमान करना, कमरे में फोटो आदि रखना, जिन देवों के, मुनिराजों के, वैराग्य के, समाधि के, वहीं एक छोटा सा तखत
रखा जा सकता है। उस कमरे में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है, उस पर छोटी मोटी सामग्री बर्तन आदि, ताकि हमें यदि हमारे घरों में कोई रात्रि भोजन करते हो, अवक्ष भोजन कोई बनाते हो, वैसे तो जैनी के घर में बनने नहीं चाहिए लेकिन बनाते हो, तो हमारे छोटे मोटे बर्तन हमारे काम चलाने लायक, छोटे मोटे गैस सिलेंडर, क्योंकि आधी रात को या दिन में कभी गर्म पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ जरूरत पड़ जाए, तो तत्काल वहीं की वहीं व्यवस्था हो सके और हमें परवश ना होना पड़े, पराधीन ना होना पड़े। मैंने छोटे मोटे उपचार के साधन बर्तन आदि अपने ही कक्ष में रखने चाहिए। वहां पर काले पत्थरों का प्रयोग या ग्रेनाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ स्वच्छ सफेद ऐसे काम हो, उनकी चर्चा की कल जो छेद संबंधी चर्चा में मकान बनाने की बात, कमरे बनाने की बात कही थी, उसमें इतनी सी चर्चा और जोड़ी अपन ने। अब भी चर्चा करना है काल संबंधी, सामयिक का काल कैसा हो। तो उपसर्ग के काल में तो काल का विचार नहीं कर सकते आप, उपसर्ग के काल में आप द्रव छेद काल भाव का विचार, भाव का तो अपन करेंगे लेकिन द्रव छेद काल ये अपने अधीन नहीं है, है ना, इसलिए उसकी तो बात नहीं करते। लेकिन बुद्धिपूर्वक सच्ची बात यह है कि समाधि मरण इसके लिए संपूर्ण जीवन की तैयारी चाहिए। काल, काल कितना, समाधि मरण का काल कितना, देखो समाधि मरण के नाम पर हमें असल में बहुत स्थूल बात समझ में आती है, लेकिन समाधि का जो अर्थ है द्रव संग्रह जी में और अन्य ग्रंथ परमात् प्रकाश जी आदि में, तो समाधि माने अपने ज्ञानमय स्वरूप में समा जाना, इसका नाम समाधि। अपने ज्ञान स्वरूप में समाना, समाधि धी माने ज्ञान, अधि अधिगम अधि माने ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव में समाना, अपने आत्म स्वरूप में समाना, इसका नाम समाधि। इसकी चर्चा अपन बहुत विस्तार से कर चुके हैं। कोई शरीर का लक्ष्य रख करके देह छूट जाए, भले ही शरीर का अशुभ हो या शुभ हो, परंतु शरीर के लक्ष्य से मैं शांति से मरूं, इसका नाम समाधि नहीं है। अरे मेरा मरण ही कहां होता है, मैं अनादि अनंत ज्ञान मई शाश्वत तत्व हूं, शाश्वत पदार्थ हूं, तो मरण के काल में ऐसे स्वरूप का लक्ष्य और आत्मस्थ होकर के रहना, इसका नाम समाधि है, है ना। इस इन अर्थों में देखें तो सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए समाधि में है। क्या कह रहे हैं, हैं? अनंत काल जो अपने आत्मस्वरूप में समाये हुए हैं, हम भी आत्मस्वरूप में समावे, उसकी दृष्टि करें, उसमें रमें, ये भावना पूर्वक अपनी ये चर्चा चल रही है। तो ध्यान ये रखना, देखो कभी कभी हम जब समाधि की चर्चा करते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है ये फालतू की बातें हैं, वो तो अपने आप प्रकट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नैसर्गिक रूप से प्रकट होती है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा की जरूरत है। सम्यक दर्शन भी सहज प्रकट होता है लेकिन हम उसकी चर्चा करते हैं। रत्नत्रय, मुनि दशा, केवल ज्ञान सब सहज प्रकट होते हैं लेकिन उसका हम स्वरूप विचारते हैं, निर्णय करते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे ही समाधि मन की भी चर्चा अभीष्ट है, एक बात। दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है अरे इसमें तो बाहर बार की बात है, शरीर की बात है, विकल्पों की बात है, इनमें क्या दम है, ये तो अपने आप प्रकट होती है। तो हमें इसमें ये कहना है, यदि हम अन्य प्रकार की चर्चाएं नहीं करते हो तो ये चर्चा भी मत करो। लेकिन माने हम जब 24 घंटे शुद्धात्मा की चर्चा तो नहीं करते हैं, हम 24 घंटे शुद्धात्मा में ही तो नहीं रम जाते हैं, और जब नहीं रम जाते हैं तो हमने जो बहुत अभ्यासी भी हैं उन्हें घंटों भी कथा करते हुए देखा है, माने ब्रह्मचर्य भी ले ले में, प्रतिमाएं भी कदाचित ले ले में, तो अभी नहीं तो अपने पुराने समय की याद की बातें बताएंगे, तो खाने पीने की गृहता हो तो भी कथा, आहार की भी कथा करेंगे, नहीं तो तुम्हारे नाती पोते उनकी चर्चा करेंगे, व्यापार की करेंगे, विवाह की करेंगे, है? मैं एक बात सोचता हूं, हम एक बार मंदिर की कथा को भी यहां बी कथा मानेंगे हम। यदि कोई व्रती त्यागी होकर मंदिर निर्माण ये करो ना ये करो ना ऐसा करना, ऐसे उत्सव करो ना ऐसे उत्सव करो, यदि वो इसमें उपयोग लगाता है तो हम उसे ये सलाह देंगे कि तुम समाधि मन की चर्चा करो। समझ में आया ना, माने जब आप व्रती त्यागी हैं और दिनात आत्म स्वरूप में नहीं रह पाते, लेकिन जब ये चर्चा चलती है तो हमें थोड़ी उपेक्षा सी लगती है, ये तो फालतू बातें हैं, ये तो बाहर बाहर की बातें हैं, ऐसा कहकर इसकी उपेक्षा नहीं करना। दूसरी बात, अरे भैया ये तो बड़ी कठिन है, और अब लोग अक्सर इस प्रवचन को सुनने के बाद ऐसा कहते हैं, अब भैया ये जीवन में उतर जाए जब कछु हुआ था, अब को जाए पाले तो बात तो सच्ची, को जाए पाले तो पक्की समाधि हुई है, को को अब को
ये कौन है जिसकी ये चर्चा चल रही है, ये मत सोचो। मैं फिर कहता हूं, मैं इसीलिए मेरी चर्चाओं में यदि आपने एक भजन देखा हो तो जहां जहां आपको घबराहट लगती हो वह मैं कुछ साहस बढ़ाने वाली बातें भी करता हूं आपको। ये आप ही करेंगे, आप ही कल के मुनिराज हैं, आप ही कल के भगवान हैं। आपको मर पच करके नरक निगोद की भीषण ज्वालाओं से, दुखों से छूटना ही है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, है? बहुत सरल भाषा में कहें, आप केस लॉन्च के नाम से डरेंगे तो सुअर के कितने केस लॉन्च होते हैं, स्वावलंबन से नहीं करोगे तो परावलंबन से होंगे। तुम गर्मी और ठंडों से बचने के लिए आकुलित होकर इन साधनों का इस्तेमाल करोगे तो नरकों की भीषण गर्मी और भीषण ठंडों से बचने के लिए कहां जाओगे। बोलो, जयपुर में बहुत गर्मी पड़ रही थी और ग्रीष्मकालीन शिविर था, गुरुदेव श्री का प्रवचन हो रहा था, तो व्यवस्थापकों को ऐसा तो लगता ही है कि हमारे गुरुदेव को ठंड गर्मी ना लगे, तो तखत के पीछे छिपा करके वो पंखा रख दिया, थोड़ी हवा आ गई तो कपड़ा हिला, कपड़ा ये पीछे रोड़ा, क्या है सूचे। और फिर गुरुदेव ने 15-20 मिनट तक, अरे रे सुखिया बुद्धि हो गए हो, नरक में कैसे ले जाओगे ये पंखा कैसे ले जाओगे, तुम्हारे एयर कंडीशन कूलर नरक में कैसे जाएंगे। पर जो लोग सोनगढ़ गए हैं, परमागम मंदिर में जहां प्रवचन आदि होते थे, अथवा वो स्वाध्याय मंदिर वहां पर प्रवचन होते थे, मैंने वहां कभी पंखा नहीं आया, पंखा नहीं आया, और गुरुदेव के कक्ष में पंखा नहीं आया, कभी आश्रम में भी कहीं पंखा नहीं आया। कहने का मतलब क्या है कि भाई थोड़ी देर तुम इस आकुलता को से बचने के लिए ये नकली सुविधाएं जुटाते हो, लेकिन ये तो सोचो इन नरकादिक में कैसे करोगे, ये त्रियांश गति में कैसे पंखा कूलर क्या पहुंचेगा, ये तो सोचो। हालांकि इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी तो ये कहना है सारे जीवन की साधना ही समाधि बना सकती है। आत्मस्वरूप का निर्णय स्वाध्याय चर्चा गोष्ठी और आत्मा का निर्णय, आत्मा का लक्ष्य भेद विज्ञान की प्राप्ति, यही समाधि के साधन है। और बाकी तो जो पाठ है ना, पाठ भावना 32 के नाम से भी है, नीरव निर्झर के नाम से है, और कहीं कहीं सामायिक पाठ के नाम से भी है। नहीं समाधि के साधन है क्या है, त्रण चौकी सिल सेल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के पद, न भी आसन है न साधन है, वहां कुछ है ही नहीं, असली साधन तो अंदर में है। हालांकि बाहर की भी अपन विवेक की चर्चा करते हैं, लेकिन असली साधन तो यदि अंदर में ही साधन नहीं हुआ तो बाहर में क्या करोगे। नहीं बोलो, बुद्धिहीन लड़का हो अब उसमें अंदर ही योग्यता नहीं हो तो बाहर में क्या करें, किताबें क्या करें, मास्टर क्या करें। ऐसे ही जिसमें अंतरंग के परिणामों की निर्मलता नहीं हो, मैं ये दो बातें बता चुका हूं अभी, व्यर्थ की गोष्ठी करते हो, व्यर्थ की भी कथा करते हो, तो ये कथा करो समाधि मरण की, और बहिरंग की चर्चा और चरणानियों की चर्चा करने में बिल्कुल मत झेपो। चरणानियोग भी हमें उतने ही आदर से पढ़ने योग्य है, हमें तब बहुत दुख होता है जब ऊंची ऊंची चर्चाएं करते हैं, ऊंचे ग्रंथों की और आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं छल कपट खान पान में, रहन सहन में, भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में, कहीं ना कहीं उनके माध्यम से विसंवाद उत्पन्न होता है, तब हमें बहुत दुख होता है। हम ये कहते हैं मात्र शास्त्रों का पठन, मात्र ऊंची चर्चाएं तुम्हें समाधि नहीं दे सकती। मात्र शब्द लगाया हो, इसका मतलब है पूरे जीवन की शालीनता, पूरे जीवन का सदाचरण, मर्यादाओं का ज्ञान, संयम का निर्वाह, पूरे जीवन के संयम का निर्वाह आपको समाधि दे सकता है। कोई समाधि कोई मात्र मानसिक व्यायाम का नाम भी नहीं है, है? इसका मतलब यह है हम मात्र अंतरलक्षी स्वाध्याय ही नहीं करें, साथ ही बहिरंग में जो हमारे जीवन में दैनंदिन में आचरण होना चाहिए वहां भी हम सावधान हो। अब तो समझ में आ गया होगा क्या हूं? फिर वही बात है, हम मात्र चर्चा करके संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा बहिरंग जीवन सुशोभित नहीं होता है, मर्यादित नहीं होता है, तो सचमुच हम भी हास्य कराने के ही धाम रह जाते हैं, ये भी कोई शोभा की बात नहीं है। ख्याल में आया? देखो अब आगे की चर्चा करते हैं, तो क्या कह रहे थे, काल संबंधी क्या है कि पूरे जीवन इसकी तैयारी होगी तो समाधि होगी। आगे क्या कहना है, देव अभी इसमें अब काल के बारे में चर्चा है। देवकृत चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं,
मुनिराजों के लिए हमें भी हो सकते हैं चार प्रकार के उपसर्ग। कौन कौन से? नंबर एक देवकृत, नंबर दो मनुष्यकृत, नंबर तीन त्रयंचकृत और नंबर चार प्राकृतिक। चार प्रकार के कैसे? अब देवकृत में क्या हो गया, एक कोई व्यंतर देव, कई आते हैं पद्म पुराण आदि ग्रंथों में काफी ऐसे दृष्टांत आते हैं। कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज पर्वत पर स्थित थे और वहां पर व्यंतर आदि ने बहुत उपसर्ग किए, शेष सुदर्शन पर व्यंतरणी ने उपसर्ग किए, ऐसे ऐसे बहुत किसी व्यंतर ने उठाकर उनको ऐसे उठाकर आकाश में से नीचे पटक दिया, समुद्र में पटक दिया, पहाड़ों पर पटक दिया, पत्थर पटके, अग्नि बरसात, ये देवकृत उपसर्ग। एक काल तो यह है समाधि का, जहां तत्काल समाधि ले लेनी चाहिए तत्काल, तो देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग। मनुष्य में इसकी कथाएं बहुत आती हैं, भविष्य में सुनाएंगे हालांकि हम, लेकिन ऐसी कथाएं जो ग्रंथों में पाई जाती हैं कि मुनिराज की इस काल कान में से कीला ठोक कर इस कान में से निकाला दिगंबर मुनिराजों को, वो तीरों से छेद दिया, पूरे पूरे शरीर को तीरों से छेद दिया। हालांकि वो कथाओं का समय आएगा, अभी हम संक्षेप में बताना चाह रहे हैं। ऐसे मनुष्यकृत रुई में लपेट करके तेल डालकर आग लगा दिया। कौन की कथा सुनाई दी? गुरुदत्त, द्रोणागिर से मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसे गुरुदत्त मुनिराज को द्रोणागिर के जंगल में, और वो लगा करके रुई और जला दिया। तो ऐसे अनेकों उपसर्ग हुए हैं जो मनुष्यकृत हैं, ख्याल में है ना। और त्रयंचकृत, त्रयंचकृत में सिंह नहीं खा जावे, स्याल नहीं खा जावे, है ना। अब मुनिराजों की तो बहुत कथाएं आती हैं। देखो मुनिराजों को यूं तो 24 घंटे में से मैं समझता हूं बहुत अधिक समय तो परिसर जय में ही बीतता है 24 घंटे तो, लेकिन त्रयंचकृत की नाम लें तो रात्रि में मच्छरों का समूह घेर लेवे, जंगलों में सर्प चढ़ जावे, जंगलों में मच्छर आदि तो 24 घंटे, ठंड के दिनों में, अपन ठंड के दिनों में देखो मक्खी आकर के बैठना चाहती, क्यों? कि उसको चारों तरफ का शीत मौसम है और शरीर पर थोड़ी गर्मी मिलती है, तो बार बार मक्खी आकर बैठेगी तो कैसा लगेगा। ये तो हुआ परिसर, लेकिन दिगंबर मुनिराजों को कोई ऐसे प्राण घातक उपसर्ग करने वाले त्रयंच आ जावे तो एक काल भी काल अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, इस समाधि का काल है। और क्या हुआ? अथवा प्राकृतिक उपसर्ग, प्राकृतिक उपसर्ग में क्या होगा, इसमें रोग भी शामिल हो जाएंगे, जैसे बात पित्त कफ, इनके दोष अत्यधिक बढ़ जावे, अत्यधिक कि समले ही नहीं, प्रबल ज्वर आ जाए, अतिसार हो जाए, श्वास हो, कास हो, बात हो, पित्त का बढ़ना हो, क्षुधा का घटना हो। कई बार क्षुधा घट जाती है तो मुनिराज समझ जाते हैं अब ये शरीर रहने वाला नहीं है, क्षुधा घट गई है ऑटोमेटिक, तो क्षुधा घट गई हो अथवा रुधिर का नाश होने लगा हो, रक्त का नाश होने लगा हो, रक्त बनना नहीं बन नहीं रहा हो, यह जो रक्त शरीर में है वो पानी होता जा रहा हो, तो ऐसे समय में समाधि मरण के समय है। कठोदर का रोग या सोच का रोग, इस प्रकार के कुछ रोगों के नाम ग्रंथों में मिलते हैं, यदि ऐसे रोग के काल आए तो फिर ऐसे समय में दिगंबर मुनिराजों को या श्रावकों को भी समाधि ले लेनी चाहिए। उपसर्ग में बताई दिए हैं, लेकिन प्राकृतिक उपसर्ग जब आते हैं तो उनमें वायु, भीषण तूफान आ जाए, भीषण जल, अत्यंत पानी बरस जाए, चलते चलते किसी गड्ढा या कुआं में गिर पड़े, दिगंबर मुनिराज हैं, अब कभी कदाचित चल रहे हैं देखते हुए, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से गड्ढे, कई बार क्या होता है, अब पहले जमाने में होता था, अब होता है कि नहीं होता है, गड्ढा करके ऊपर से घास वगैरह या कुछ ऐसा रख देते हैं, ऊपर से देखने में पक्की मिट्टी दिखाई देती है, और चलते चलते किसी गड्ढे में गिर जावे, खाई में गिर जावे, फिसल जावे, अत्यधिक शीत हो जावे या अत्यधिक गर्मी हो जावे, है ना, या कहीं पर जंगल में विराजमान हो वहां पर अग्नि लग जावे, आपो आप जंगल में आग लग जावे, या कोई दुष्ट राजा आदि हो, ये प्राकृतिक में नहीं आया, ये मनुष्यकृत में, जिस जगह पर है वहां पर दुष्ट राजा हो, दुष्ट मंत्री हो, जैसा कि हस्तिनापुर में हुआ, दुष्ट राजा, दुष्ट मंत्री, अथवा लोभी, लोभी व्यक्ति, शत्रु हो कोई, मिथ्या दृष्टि, लोभी मिथ्या दृष्टि, तीव्र मिथ्या दृष्टि कोई हो, और कभी कभी रिश्तेदार, ऐसे कोई रिश्तेदार भी हो जो तीव्र उपसर्ग करते हो, तो ऐसे समय में समाधि ले लेनी चाहिए। अब समाधि कितने प्रकार से ली जानी चाहिए वो उसकी चर्चा पहले अपन की है, दो प्रकार से, एक तो यम रूप से, यम रूप मतलब अब चारों प्रकार के आहार का त्याग,
और एक ऐसा होता है नियम रूप से कि यह उपसर्ग देवकृत त्रियंशकृत ये जो भी प्राकृतिक, यदि उपसर्ग टल गया और देह रह गई, आयु शेष रही, तो हम अपनी यथा योग्य रीति से आहार आदि लेंगे और नहीं तो चार प्रकार के आहार का त्याग। इस प्रकार से एक काल की चर्चा। वृद्धावस्था के काल में इंद्रियों की अत्यंत ही निर्बलता हो जाए, प्राकृतिक में दुर्भिक्ष पड़ जावे। अब इसकी कथा सुनाने जैसी है लेकिन नहीं सुनाएंगे अभी, फिर कभी चर्चा लेंगे इसकी। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, महामारी भूखमरी फैल जाए। अब ऐसा दुर्भिक्ष पड़ गया कि आज भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी, उज्जैनी में जिस समय बास कर रहे थे उस समय 24,000 महिराजों का संघ था। तब उन्होंने ये कहा, भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि समस्त साधुओं को बुलाकर कि अब हमें यहां से दक्षिण प्रांत में चले जाना चाहिए, उत्तर भारत में यहां पर 12 वर्ष का अकाल आएगा और फिर हमारा संयम धरे रहना हमें कठिन पड़ेगा। फिर भी उनमें से आधे उन्होंने कहा कुछ तो चले गए, ऐसा सुनने में आता है 12,000 उनके साथ चले गए या जो भी देख लेना आप, लेकिन कुछ रह गए ऐसा कहने में आता है, कुछ रह गए, ऐसी दोनों बातें समझ में आती हैं, कुछ रह गए। क्यों रह गए कि श्रावकों ने यह कहा कि हे मुनीश्वर, आपके आहार दान किए बिना हम लोगों का श्रावक जीवन कैसे व्यतीत होगा। कई बड़े बड़े सेठियों ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हमारे पास इतना धन है और इतना गेहूं है, अनाज है कि 12 वर्ष यदि हम खिलाएं तो भी हमें कम नहीं होगा, इसलिए आपका संयम तो हम पलवाएंगे ही। ऐसा कह करके कुछ मुनिराजों को रोक लिया, बाकी तो चले गए। बीच रास्ते में चलते चलते भद्रबाहु स्वामी का तो अत्यंत देह वृद्धावस्था आ गई थी, तब चंद्रगुप्त ने उनको वहां समाधि कराई बीच रास्ते में अकेले, बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रसंग। मैंने ये समझ लीजिए 6-7 दिन तक तो चंद्रगुप्त ने जो मुनि अवस्था में थे आहार ही नहीं लिया। तब एक बार भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि देखो भले ही ये जंगल है और यहां कहीं आसपास नगर नहीं है, ग्राम नहीं है, लेकिन एक मुनि को अपने विकल्प की पूर्ति करने के लिए आहार की चर्या के लिए अवश्य जाना चाहिए। तो वे आहार की चर्या के लिए नियम लेकर के गए तो देखते क्या है कि थोड़ी दूरी पर ही ग्राम है और वहां पर उनकी आहार की चर्या संपन्न हुई। ऐसा 1 महीने तक हुआ। 1 महीने बाद एक दिन वे कमंडल छोड़ आए हैं, बिना पीछे के तो महिला चलते नहीं, लेकिन भूल से कमंडल वहीं रह गया। तो एकदम जब लौट कर आए तब याद आया कि अरे कमंडल तो रह गया। जब कमंडल लेने के लिए वापस लौटे वापस, तो एक वृक्ष के ऊपर कमंडल लटका हुआ मिला, वो गांव था ही नहीं वहां। तब उनको ये समझ में आ गया कि ये देव पुनीत भोजन हमने महीना भर किया है, अरे असंयमी के हाथ का भोजन लेते नहीं है और देव असंयमी होते हैं। तब उन्होंने गुरु के पास आकर के इसका प्रायश्चित किया कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैंने असंयमियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन ले लिया है, असंयमियों के हाथों का भोजन मुझे लेना नहीं चाहिए, तो उसका प्रायश्चित किया। ये कथा पढ़नी चाहिए आप लोगों, बहुत सुंदर कथा है, विस्तार से तो आप वहीं देखें। ऐसा कोई दुर्भिक्ष पड़ जावे, है ना, थोड़ा सा स्मरण दिलाने के लिए कहता हूं। फिर वो जो यहां रह गए थे, यहां तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, क्योंकि फिर लूटपाट बहुत होने लगे। दिगंबर मुनिराज आहार के लिए जावे और आहार लेकर लौटे तो कितने ही गरीब भूखे व्यक्ति उन्हें पकड़ लेते थे, उनका पेट फाड़ देते थे और पेट के अंदर से निकाल करके भोजन कर लेते थे, मांस खा जाते थे। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उन 12 वर्षों में। तब धीरे धीरे ये शीतलाचरण शुरू हुआ। सेठों ने ये कहा कि आप एक काम करो, आप दिन में निकलते हैं तो ये तकलीफ आती है, आप सुबह सुबह 5 बजे आ जाओ और बर्तन में हम आपको शुद्ध रसोई रख देवे और आप अपने स्थानक माने धर्मशाला आदि मंदिरों में आकर एक स्थान पर भोजन कर लेवे। अब वो सुबह निकलना शुरू हुआ तो कुत्ते परेशान करते 5 बजे, तो वो लाठी शुरू हुई, वो लाठी कुत्ता भगाने के लिए। फिर बर्तन शुरू हो गए। अब आधी रात को जब निकले नग्न मुनि, तो कथानक में आता है कि कितने ही बहुत बुरा लगता था सुबह 5 बजे दिगम उम्मीदाजों का चलना, शोभा नहीं पाता था। तो ऐसे समय में उनको वस्त्र धारण कराया गया कि आप उतनी समय के लिए वस्त्र धारण कर लो और अपने स्थानक में जाकर उतार देना। ये जो सारे शीतलाचरण श्वेतांबर आदि की स्थापना हुई, ये उस समय की स्थापना है। कहने का मतलब क्या है कि वहां से विषम जितना शीतलाचरण शुरू हुआ श्वेतांबरों में और 20 पंथामनाय के रूप में ये हमारे सामने आए।
विस्तार से। ऐसे दुर्भिक्ष के समय में संयम का पालन नहीं हो सकेगा तो मुनिराज दूरदृष्टि से या तो वहां से गमन कर जाते हैं या ऐसे क्षेत्र में यदि कोई फंस जावे तो फिर समाधि ले लेते। वो बात यहां पर काल के संबंध में चल रही थी कि यदि कोई भयंकर दुष्काल पड़ जाए, अकाल आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए तो, या फिर कभी जंगल में चलते चलते दिशा भूल जाए। सुनाया था आपको आनंद धरा का, 3000 वर्ष तक इतने बियावान जंगल में फंस गए कि कहीं रास्ता ही ना मिले। ऐसे मुनिराज भी विहार करते 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 कदाचित ऐसे जंगल में फंस जाए कि जहां से अब रास्ता ही ना मिले, तो फिर दिगंबर मुनिराज वहां पर समाधि ले लेते हैं। इस तरह से कभी पानी में निकल रहे हो, घुटने घुटने तक दिगंबर मुनिराज पानी में गमन कर सकते हैं, नदी पार कर सकते हैं, ऐसे समय में अचानक बह जाए, पानी में फंस जाए तो दिगंबर मुनिराज उस काल में समाधि ले लेते हैं। मुख्यता से मैंने मुनिराजों का नाम लिया है, लेकिन इतने ही प्रसंग में हमको भी क्या कह रहे हैं, इतने ही प्रसंगों में हमें भी बिना घबराए सावधानी पूर्वक, शूरवीरता पूर्वक, साहस पूर्वक हमें भी समाधि ले लेनी चाहिए। क्योंकि यदि समाधि की भावना नहीं होगी और बाई दबे त्रियंच के द्वारा, पशुओं के द्वारा खा लिए जाए हम, मान चलो अचानक सर्प ने डसा और हमने देख भी लिया, अब पहले से तैयारी होगी तो एकदम याद आएगी नमो हरिहंतणम पंच परमेश्वर भगवंतों के साक्षी में मैं समाधि लेता हूं, जब तक यदि देह नहीं बचती है तो आजीवन के लिए मेरा चारों प्रकार के हार का त्याग, और अब आत्मसर्व हे प्रभु मैं तो ज्ञाता स्वभाव ही हूं, ज्ञान स्वभाव ही हूं, मुझे देह से कोई ममत्व नहीं है, देह के प्रदेश जाए तो जाओ, ऐसे ऑटोमेटिक चलेगी वो तो भावना, तो फिर ऑटोमेटिक चलेगी। भावना और विचार में अंतर है, ध्यान रखना। ये हम भावना की चर्चा कर रहे हैं, विचारों की नहीं, विचार तो नकली हो सकते हैं लेकिन भावना असली होती है ना, अभिप्राय पूर्वक होती है, उस भावना की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होगा, उपसर्ग के कारण से या आयु क्षय सन्मुख होने से, माने एक कारण है आयु क्षय, यदि हमारे देह की आयु पूरी हो गई हो तो सन्मुख होने से भयंकर दुष्काल पड़ने पर अथवा शीलादिक गुणों की हानि करने वाली शारीरिक वृद्धावस्था एवं रुग्णावस्था माने रोगी अवस्था या निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ग्रंथ और चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार निमित्त ज्ञान कर लेने से कि भाई अभी ऐसा लक्षण है, अब इससे ज्यादा आपकी देह नहीं टिकेगी, तो शास्त्रों के अनुसार निमित्त ज्ञान से या जो चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेदिक आदि नाड़ी आदि का ज्ञान से भी जान जाते हैं कि अब इस देह की अवस्था ज्यादा रहने वाली नहीं है, तो ऐसे काल में ये समाधि मरण के काल है और ऐसे समय में हमको समाधि मरण ले लेना चाहिए अत्यंत उल्लास के साथ। ये तो ही काल की चर्चा। अब भाव की चर्चा देखा जाए तो भाव की चर्चा थोड़ी ने थोड़ी हमने बहुत पूर्व प्रवचनों में कर ली है, लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से करना चाहते हैं अब आज के प्रसंग में। एक तो सर्व जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करें। क्षमा भाव देखो, अच्छा ठीक है क्षमा कर दो, अच्छा सब जने क्षमा करो भाई क्या, तो जी मजबूरी की क्षमा क्षमा नहीं है, अब कहा करें हम मर तो रहे हैं भैया हाथ जोड़े क्षमा करो, ऐसा नहीं। क्षमा भाव, भाव की बात चल रही है शब्दों की नहीं, भावनात्मक निर्मलता, आत्मिक परिणति की निर्मलता, कसायों का अभाव होने पर सहज ही ऐसा लगता है हे भाई मैंने व्यापार आदि में बहुत तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हे जगत के जीवो मेरी वह परिणति दुष्कृत हो दुष्कृत हो, अरे रे अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, नौकरों के साथ, सभी के साथ, इसमें बिल्कुल शर्म करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम किसी को सलाह देते हैं, डांटते हैं, टोकते हैं तो उसको पीड़ा पहुंचती है, हे भाई हम जानते हैं तुम भी भगवत स्वरूप हो, हम जानते हैं तुम भी कभी ना कभी महावीर बनोगे, भगवान बनोगे, लेकिन क्या करें ये पर्यायगत व्यवहार के कारण मुझे तुम्हें टोकना पड़ा, डांटना पड़ा, समझाना पड़ा, कभी प्रताड़ना भी देनी पड़ी, कभी तुम्हें सजा भी देनी पड़ी, कभी पैसा कमाने के लोभ में आकर मैंने तुमसे अतिरिक्त करके कमाई भी की है, तृष्णा भी की है, अरे रे ये मेरे सारे दुर्गुण दुष्कृत हो दुष्कृत हो, ये कोई मैंने योग्य कार्य नहीं किया है, ऐसे समझ पूर्वक केवल। अभी क्या होता है जनरली इतनी बात हम विचारते ही नहीं है, हमें तो कोई वो क्षमावाणी का दिन आता ना, क्षमावाणी का दिन क्षमावाणी के दिन क्षमा कहां होती है वास्तव में, हो जी क्षमा तो उसको कहते हैं पूर्वगत भूल जाए, हम भूलते गए हम, और दूसरी बात जिसने जिससे जिसके प्रति हमसे अपराध हुआ है उससे क्षमा कहां मांगते हैं, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है तो उससे कहां बोलते हैं, और किसी से हमारा कोई व्यापार में कुछ हो गया हो तो उससे कहां बोलते हैं, हमने समझ लो बच्चे को, रिश्तेदारों को कोई तकलीफ दी है, डांटा पिटाड़ा ना दी है,
सचमुच हम कई बार हमें लगता भी कि हमने अन्याय किया है आज, तो हमने उससे कहा क्षमा मांगा। एक बार हमारा किसी से झगड़ा हो गया कोई, तो बोला क्षमा करना साहब हमसे गलती हो गई। तो मैंने कहा क्षमा की बात नहीं है, क्षमा तो है ही, उसमें क्या दिक्कत है, हम क्षमा नहीं भी करेंगे तो भी कर्म थोड़ी क्षमा कर देंगे, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्षमा ही कर देंगे। लेकिन तुम ये बताओ तुमसे चूक कहां हुई है, बस तुम ये समझ लो कि तुमसे चूक कहां हुई तो अगली बार नहीं करोगे। और नहीं इस बार एक आई की चूक क्षमा हुई, पहले तो तुमने दो जमा दिए क्षमा करना, और अगली बार फिर दो जमाए फिर क्षमा करना, नहीं आई समझ में। अब आजकल तो हमें नहीं मालूम, होता होगा आज भी पता नहीं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे उठ के घर की झाड़ू काटते थे, उठ जा तो बुहारी कीनी, अब करते जा ही रहे हैं, नहीं समझ में आ रही, 5 बजे अंधेरे में झाड़ू करते ही जा रहे हैं और बोलते हैं उठ जाग बुहारी कीनी, तो फिर मतलब क्या निकला, हा हा मैं दुठ अपराधी रस जीवन राशि बिराधी, और करते जा ही रहे हैं। तो हमें नहीं समझ में आई तुम्हारी क्षमा, क्षमा मांग रहे हो तो फिर विवेक है क्या, नहीं तुम्हें मालूम भी है काई क्षमा मांग रहे हो। डॉक्टर साहब ने इस बात पर बहुत खुलासा लिखा है, उत्तम क्षमा का जो क्षमावाणी का प्रसंग में प्रवचन किए उन्होंने, बहुत खुलासा कि ना तो क्षमा करने वालों को मालूम है कि मैंने किस किस को क्षमा किया, और ना क्षमा और ना क्षमा मांगने वाले को मालूम है कि मैंने किस किस से क्षमा मांगी है। बाजार में छपे हुए कार्ड आ गए, उसमें क्या लिखा है ये भी नहीं मालूम, कार्ड आ गए क्लर्क से कह दिया जी हमारी लिस्ट है रिश्तेदारों की, सब एड्रेस लेके पोस्ट कर दो। तो क्षमा मांगने वाले ने उसे भी नहीं मालूम मैंने किस किस से क्षमा मांगी, और उधर भी आ गए तो कहां कहां से आ गए, वो लिस्ट देख लिया ठीक है रख दो रख देता। तो अब इसका नाम क्षमा थोड़ी है, कहने का मतलब है औपचारिकता का नाम क्षमा नहीं, सचमुच हमें लगे कि मैंने अपने खान में पान में रहन में सहन में व्यापार में स्त्री पुत्र आदि के बीच में व्यवहार करने में सामाजिक व्यवहार करने में मैंने कहां कहां चूकी है, मेरे निमित्त से किन किन को पीड़ा हुई है, किन किन को नुकसान हुआ है, ऐसा अंदर में विचारे निर्णय करें। ये जो मृत्यु महोत्सव नाम की पुस्तक है मैंने आपको बताई थी, इसमें आप पढ़ना, इसमें लिखा है कदाचित हमने मुकदमा चलाकर किसी की जमीन ले ली हो और वो उससे दुखी हो गरीब हो तो उसकी जमीन वापस लौटा देना, किसी का हमने यदि रकम हड़प ली हो और गिरवी आदि में व्यापार में ज्यादा ब्याज ले लिया हो वो परेशान होता हो तो उसे वापस कर दे दे, धन जमीन इसकी भाषा में तो खोसी हो, खोसी शब्द है इसमें, यदि हमने किसी जमीन आदि खोसी हुई तो उसे वापस कर जबरदस्ती छीन ली हो है, नौकर आदि के साथ यदि कोई बात हुई हो है तो उसको उसको लौटा देना चाहिए, ऐसा ऐसा लिखा है इसमें, क्योंकि आपकी परिणामों की निर्मलता नहीं हुई तो ऊपर से तो आप कह रहे क्षमा, और जैसे ही उसने कहा साहब क्षमा तो ठीक है लेकिन हमारे 5000 रुपया आपसे अभी तक लेने आपने दे नहीं, अब दे दी, अरे क्षमा मांग रहे हैं ना, क्षमा तो मांग रहे वो तो ठीक है, तुम मर जाओगे फिर कल कौन देगा हमारे, हाँ ले लेना ले लेना बस। तो आप समझना कि अंतरंग में सरलता नहीं आई, आप मेरे कहने का अभिप्राय समझ गए होगे, ये औपचारिकता की बात नहीं है, तुम्हारी परिणति आत्मिक परिणति सचमुच निर्मल होनी चाहिए, तुम्हें खुद लगना चाहिए कि मैं भगवान जैसा पवित्र पदार्थ हूं और भगवान के मार्ग में जा रहा हूं, और ये जो जीव है जिसके साथ मैंने अनाचरण किया है वह भी भगवान से कम नहीं है, अल्प काल में वो भी भगवान बनेगा, एक साथ हम सब सिद्धालय में रहेंगे भविष्य में, अरे रे, और आज मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूं, ऐसा विचार करके उत्तम क्षमा करें, समझ में आया, और क्या करें, उनसे क्षमा याचना करें, उन्हें क्षमा भाव धारण करें उनके प्रति और स्वयं उनसे क्षमा याचना करें, शांत चित्त होकर आध्यात्मिक पाठादि के आधार पर समय सार आदि की या जो भी गाथाएं आपको प्रिय हो उन गाथाओं के आधार से चिंतन द्वारा ध्येय स्वरूपी, ध्यान का ध्येय स्वरूपी शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेवे, चित्त की अस्थिरता होने पर नमोकार मंत्र सहजानंदी स्तुति छेड़ाला पाठ आदि 12 भावना आदि का अवलंबन ले तथा महामुनिराजों की दृढ़ता एवं स्थिरता का टका करे। ये अपन ने भाव संबंध में लिया है लेकिन इसकी चर्चा में कुछ प्रैक्टिकल चर्चा थोड़ी सी और लेना चाहती हूं, खासतौर से जब अंतिम समय आता है तो रोगाधिक हो सकते हैं, 99% चांस यही समझो आप कि आपको रोगाधिक हो सकते हैं या एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ऐसे समय में अभी अभी की बात चल रही है अभी से क्या तैयारी करें, उसके लिए मैं एक बात आपको कहता हूं कि मैं सोचता हूं जीवन में आपको कई बार बुखार आ जाता है, सिर दुखता है, हाथ पैर में दर्द होता है, ये आपके लिए बहुत उपकारी है, क्या कह रहे हैं,
वे महापुण्यशाली हैं जिन्हें साल में एक दो चार बार बीमारी आती है। नहीं आई समझ में? नहीं, मैं सच कहता हूं, ये बहुत अच्छी है। क्यों? अब उसकी चर्चा हम कर रहे हैं आपको विस्तार से। मैंने अपने हेडिंग में इसमें लिखा है, अस्वस्थता को माने बीमारी को पापोदय मत समझिए, वरन इस अवसर में मोक्ष मार्ग की आधारभूत शिला रखिए, अर्थात भेद विज्ञान कीजिए, प्रसन्न होइए। कितनी हर्ष की बात है, ये क्या कह रहे हैं? बीमारी आई है तो बड़ी हर्ष की बात है। आपको समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं। देखो, नाटक खेलते ना नाटक, तो उसके पहले कितनी ही बार रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल। ऐसे ही समाधि मरण करने का रिहर्सल का टाइम है। क्या समझे? नहीं समझे? नहीं, जैसे नाटक खेलते ना तो रिहर्सल करते हैं, तो अपन बीमार हुए, थोड़ा बुखार चढ़ा, सिर दुखा, कुछ तकलीफ हुई, अपन मांग रहे बेटा पानी लाइयो, और कोई सुना ही नहीं रहा। भेद विज्ञान करो, मरते समय पानी नहीं आएगा तो अबे तो अपन आकुल तक कर ले, मान चलो चिल्ला चोट कर ले, और मरते समय करी तो समाधि बिगड़ जाएगी। तो कोई बात नहीं, समता रखो। आपको मैं कई सारे पॉइंट देता हूं इसमें। देखो, एक बहुत अच्छा पॉइंट, सबसे नंबर एक, प्रसन्न हो जाइए। क्यों? बड़े हर्ष की बात है कि हमें रोगाधिक हुए हैं। शरीर की बात चल रही हो, आत्मा में तो निरोग स्वरूप हो हम, वो तो निरोग स्वरूप है, उसकी तो कोई बात ही नहीं चल रही अभी। हाँ देखो, एक बात मैं कहता हूं, अभी ये भाव संबंधी बात चल रही है ना, तो भाव का विस्तार कहने के लिए थोड़ा है और बहुत भी है। भाव निर्मल रखने के लिए जितनी चर्चाएं सुबह होती हैं वो सारी इसी की चर्चा है। सुबह अपनी जो भाव निर्मल करने की चर्चा चलती है वो पूरी इसी की चर्चा समझ लेना, समाधि मन का भाव नाम का पॉइंट, ठीक है? और संक्षेप में इतना कहेंगे कि औदय भाव से भिन्न भगवान आत्मा अर्थात अपने आत्मा का वेदन करना, अपने स्वरूप को जानना, यही भाव निर्मल करने का एकमात्र उपाय है। संक्षेप में कह दिए, संक्षेप में, बाकी चर्चा तो विस्तार है। अब देखो आगे, देखो रोग होने पर कितना बड़ा फायदा होता है। अब हमें स्वावलंबन हेतु सहज ही सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मिल गई, पहले नंबर का फायदा। देखो एक बात कहूं, इतने बुजुर्ग हो गए अपन 80-70-70-60-60 साल के, लेकिन समाज में लोग पीछा नहीं छोड़ते। नहीं साहब, काका जी साहब, आपको तो बारात में चलना ही पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो, समझ गए ना, चलना ही पड़ेगा। अब देखो तो सही, 60-70 की उम्र हो गई, कहां बेचारे जाएंगे, कहां खाएंगे पिएंगे, कहां अवक्ष खाएंगे, वहां डांस होंगे, बीकथा होगी, और कहां पूजा पाठ करेंगे, कब पहुंचेंगे, कहां नहाएंगे, सब, अरे रे रे, सब मर्यादा चौपट। तो अब आप स्वस्थ हो गए तो पीछे पड़े ही रहेंगे, नहीं समझे? तो भाव ने कौन पढ़ाएगा भैया, आप भाई तो पढ़ाने, आप भाई चलो चलो चलो, बेबी खुश, अरे साहब 10 बेर सूटकेस ले भी आए, अब क्या करें बताओ, 10 बेर सूटकेस। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम 10 बेर सूटकेस के चक्कर में तुम्हारी समस्त मर्यादाओं का चौपट हो गया। देखो पहला फायदा तो यही मिल गया कि अब भी ये नहीं कहेंगे बुखार है तो फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करें, तुम आराम कर। कहेंगे वही तो कह रहे हैं, हाँ सही बात है, तो अच्छा है, निवृत्ति मिली। एक फायदा, समाज से मुक्ति। रिश्ते, अभी मैं सच कहता हूं, अभी हमारे यहां भी कई लोग हैं, मैंने क्या वो खनियादाना है, प्रवचन में से चले जाते हैं, तो हम कुछ कहां गए, क्या करें पंडित जी, वहां को फोन को फोन आओ तो रिश्तेदारों को, नहीं जाओ तो बुराई है, नहीं जाओ तो बुराई है, जाने पड़ा था, तकलीफ तो बहुत है लेकिन जाने पड़ा था। तो मैंने कहा आप, सच बात यह है कि जो जिनके घर में बहुएं और बेटा व्यापार आदि और विवाह आदि में जाने के लायक हो गए हों तो उन्हें हाथ जोड़ लेने चाहिए, यानी नियम ले लेने चाहिए कि अब हम समाधि मन की तैयारी कर रहे हैं, आज के बाद हम बुद्धिपूर्वक कहीं विवाह आदि में नहीं जाएंगे। जब तक आप नियम नहीं लोगे तो परेशान किए जाओगे, नहीं जाओगे तो लोग बुरा मानेंगे, हाँ खुद की शादी हो गई, अब हमारे मोड़ा मोड़ी को नंबर आओ सो। तो नियम ले लो, ये हमारी मर्यादा है कि अब हम भी कथा और प्रपंचों में असंयम के क्षेत्रों में जाने वाले नहीं है। नियम ले लोगे तो कोई बुराई नहीं मानेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आपको बताएंगे। अभी तो इतना कहना है कि आपको निवृत्ति मिल गई। लड़के भी ये नहीं कहेंगे पिताजी दुकान पे जाओ, बहुएं भी नहीं कहेंगी माता जी चौका में चलो, तो निवृत्ति मिल गई। नहीं मिली निवृत्ति है तो पहला, हमें तो पहले उपकार ये लगता है, निवृत्ति मिली, इससे क्या फायदा हुआ? और देखो ये तो बहिरंग निवृत्ति, जब बीमारी होती है ना तो टीवी देखने में भी मन नहीं लगता, वो कोई भी कथा करने आ जाए, हंसे या लड़ाई झगड़ा करे तो उसमें भी मन नहीं लगता है। तब देखो 5 इंद्रियों की निवृत्ति मिलती है। अरे आंखें भी नहीं चाहती कि कहीं जाए घूमे पिकनिक सैर सपाटा, कहीं जाने आने का मन नहीं करता, कोई से भी कथा करने का मन नहीं करता, कोई से हंसने का मन नहीं करता, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता, जी बनाओ कुछ नहीं। बीमारी के कारण जी बहुत फायदे हैं,
और नहीं तो मैं क्या बताएं, अरे ज्यादा से ज्यादा टाइम कहीं चौके में चला जाए और कभी वो दुकान पे चला जाए और बी कथा में चला जाए, तो ये बहुत अच्छा है। हम तो कह रहे बहुत ही बढ़िया। और देखो क्या करना है कि अब उपयोग पंचेंद्रिय के भोग नहीं चाहता, निरोध चाहता है। ऐसे अवसर में तत् निर्णय करो, उसी की बात तो उसी की चल रही है। हे आत्मन, तुम्हारी देह के प्रति प्रीति नापो, ममता नापो, क्यों खाना चाहते हो अवक्ष दवाइयां? पंडित जी ऐसी बोली दो, डॉक्टर साहब खाते ठीक हो जाए सिर। अरे क्या चाहते हो, दो चार दिन दुखन तो दो। अरे दुखने दो ना, क्या दिक्कत है? ले हम अवक्ष दवाइयां क्यों खाएं? अंडा और मांस आदि की बनी हुई गोलियां क्यों खाएं? दुखने दो, कोई बात नहीं, समय पाकर ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का थोड़ा समय लग सकता है, लग जाने दो। प्राकृतिक चिकित्सा करने में समय लगे, लग जाने दो, हमें जल्दी नहीं है कछु। क्यों जल्दी नहीं है? कि आज महाभाग्य है कि पांच इंद्रियों की निवृत्ति मिली, समाज से निवृत्ति मिली, परिवार से निवृत्ति मिली। अब तो एक कमरा में अपने बिस्तर पे हैं आराम से, उपयोग लगा सो टेप सुन लिया, स्वाध्याय सुन ली, पाठ सुन लिया, बच्चों से शांति से मंदिर में गए तो कोई नहीं कहने वाला कि जल्दी लौटना। मंदिर में घंटा दो चार घंटा बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब जितनी आपकी ताकत बने उस तरीके से, खींचतानी बिल्कुल नहीं लगी, सहजता से। जिन्हें समाधि करना हो उनके लिए तो रिहर्सल है नहीं, और नहीं तो जैसा लगता अब कहीं की दवाई हो तुम दे तो दे, ऐसे कहीं की खा के अब तुम्हारा कल्याण, तो फिर समाधि तो जी तुम्हें ऐसे भाव आए कैसे, कहीं की भी ला के दे दो, ये हुआ कैसे? अब वैसे तो हम बोतल नहीं पिया लेकिन अब कहा करें, कहा करें, दे छूटे से। जिन्हें समाधि करना हो उनके लिए तो रिहर्सल है नहीं, और नहीं तो जैसा लगता अब कहीं की दवाई हो तुम दे तो दे, ऐसे कहीं की खा के अब तुम्हारा कल्याण, तो फिर समाधि तो जी तुम्हें ऐसे भाव आए कैसे, कहीं की भी ला के दे दो, ये हुआ कैसे? अब वैसे तो हम बोतल नहीं पिया लेकिन अब कहा करें, कहा करें, दे छूटे तो छूट जान दे। अभी हालांकि अभी दे छूटने की चिंता नहीं कर रहा, अभी तो छोटे मोटे रोग की बात चल रही है। देखो क्या कहते हैं, निरोध चाहता है, ऐसे में तत्व निर्णय करके उपयोग को अंतर्मुखी करना चाहिए। बहुत विचार करना, अभी प्रैक्टिकल पॉइंट दे रहे हैं आपके लिए। नंबर दो, हमने अब तक कैसा तत्व निर्णय किया है? जिसके बल पर सहज निर्वाण था कि वृद्धि नापो। एक तुम बहुत कहते हो ना कि हम तो ग्यायक हैं, ध्रुव हैं, ग्यायक हैं, हमें तो चिंता ही नहीं है, हमें तो आकुलता ही नहीं है। तो अब देखो बीमारी काल में आकुलता हो रही कि नहीं हो रही, फिर देह का लक्ष्य कितना हो रहा है, आत्मा का लक्ष्य कितना हो रहा है, ये सब नापने की बातें हैं। देखो आपको बताता हूं, अनुकूलता में स्वाध्याय भी अच्छी लगती है, और जरा सिर दुख रहा हो उस दिन प्रवचन कैसे लगती है बताओ। जब पूरा अनुकूलता है शरीर की तब तो पूजा करने में भी आनंद आता है। अब बताओ परीक्षा की घड़ी में जब तुम्हारा सिर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उस दिन तुम्हें देव सास रूपी पूजा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नापो नापो नापो। यदि कमजोरी रह गई हो तो अब विचार करो अंदर ही अंदर, हे आत्मन तुम तो रोज पंच परमेश्वरी भक्ति की पूजा करती थी, आज तो सही में क्या बताएं, आप खुद देख लेना अपनी अपनी परिणति। जिस दिन बुखार आता कहा करें दम ही नहीं है, तो ऐसे हाथ हिला के चलो भैया, अरे काय। तो जब अनुकूलता थी जब तो तुम पूजा करती थी, जब अनुकूलता थी तब तो स्वाध्याय सुनती थी। बात तो प्रतिकूलता में परीक्षा की है कि तुम्हारा चित्त कितना लग रहा है। रहन तो दो, रहन दो, ऐसा कह करके तो तुमने पूरे पंच परमेश्वर की उपेक्षा कर दी। अब तुम्हें पढ़वे पढ़वे की दिख रही है, धार तो दो ना है। जी क्या हुआ, जी क्या हुआ, तुमने सारे जीवन 10-25 बरस स्वाध्याय करके यही सीखा? देखो ये असली परीक्षा हो रही है अपनी, जब थोड़ा रोग अधिक आ जाए तब हमें पंच परमेश्वरियों के प्रति कितनी प्रीति बचती है, भक्ति बचती है, उल्लास बचता है, स्वाध्याय के प्रति कितना रस रह जाता है। अभी स्वस्थ बैठे तो आराम से बैठ के मैं ग्यायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं दर्शन ज्ञान चाहत का पिंड, वाह वाह वाह, आ हा हा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अच्छा ये तो ठीक, ये तो आपने अनुकूलता में किया, लेकिन हम पूछते हैं स्वस्थ दशा में भगवान आत्मा हो, देहाधिक से भिन्न हो, या अस्वस्थ दशा में भी देहाधिक से भिन्न हो? तो फिर देहादि की चिंता केवल स्वस्थ दशा में छोड़ना कि अस्वस्थ दशा में छूटना चाहिए? है ना, प्रैक्टिकल बात है ना ये तो बिल्कुल। अब ना पो ये बात ना पो, ये रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल होता यह है। हम जरा बीमार हुए, जरा कुछ हुआ तो दो तरह के लोग देखे जाते हैं, एक तो शरीर के प्रति लापरवाह, जो कि आत्मा के प्रति भी लापरवाह है, दोनों तरफ से लापरवाह है।
अरे रहन दे हो जाए ठीक, मतलब वे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तबाह कर रहे हैं जो आत्मा के प्रति सावधान है और फिर देह के प्रति असावधान हो जाए, अर्थात निश्चिंत रहे निश्चिंत तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से असावधानी पूर्वक चार जैसी दवाइयां खा करके जल्दी से ठीक हो जाने की आकुलता वाले हैं, उनकी समाधि नहीं हो सकती। कठिन नहीं लगना चाहिए बात, थोड़ा विचार करना हो थोड़ी शांति से। अच्छा तो फिर क्या करें, इसको नापो पहले की अवस्था के काल में यानी स्वस्थ अवस्था में और अब निशंकता एवं निर्भरता में कितना अंतर है। देखिए तुम तो कहते थे ना हम मरते समय शांति से मरेंगे, उस समय रोग होंगे तो क्या करोगे जी बताओ, ये अब तुम्हें ये आपको सोचने के छोड़ दिया मैंने। उस समय कितनी निशंकता रहेगी आत्मस्वरूप के मामले में, निशंकता का अर्थ समझाएं कि ध्यान से सुनना जरा, उस समय तीव्र आकुलता भी होगी मरते समय, तो निशंकता बड़ी कि नहीं बड़ी ये बताना है मुझे। सुनो परिणति में कसाय का आना ये गुणस्थान प्रमाण होता है, आकुलता का होना औदयिक भाव है, भिन्न भाव है, ये भाव कर्म है, ये विकारी भाव है, ये मेरे से न्यारा है, मैं तो फिर भी शुद्ध स्वरूप हूं, ऐसी निशंकता का रहना नहीं आई समझ में अभी। देखो मैं आपको बताता हूं, अधिकतर आप रोगियों को मिलने जाओ रोगियों से और उनके व्रत उपवास में थोड़ी शिथिलता सी हो जाती, समझ लीजिए मंदिर आने में थोड़ी शिथिलता हो जाती है, थोड़ी की बात कर रहा हूं, तो उनका ये कहीं जाते से ही बहुत ही बुरो लग रहा हो, क्या करें मंदिर नहीं जा पाए, पूजा रह गई, अरे सबरो धर्म भ्रष्ट होगा हमरो। तो ये तुमको शंका कैसे होगी धर्म भ्रष्ट होने की, क्या तुम्हारा धर्म इतना कच्चा है कि शरीर मंदिर तक नहीं जाएगा तो धर्म चला गया, कान से सुन नहीं पाए तो धर्म भ्रष्ट हो गया, इतनी जल्दी इतना कच्चा है तुम्हारा धर्म। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मंदिर नहीं जाओ, ये नहीं कह रहे, स्वाध्याय मत सुनो ये नहीं कह रहे, लेकिन स्वाध्याय मंदिर पूजा पाठ का नाम धर्म है कि स्वभाव की परिणति का नाम धर्म है, और फिर तुमने क्या निर्णय किया, इतने दिन क्या पढ़ा कितना सुना, तुम्हारी निशंकता कैसे चली गई। अक्सर हमने ये देखा, बड़े बड़े विद्वानों की बात करता हूं, अंतिम समय में गए और उन्हें लगवा था, भोपाल में भी विद्वान से मिलने गए, लगवा हो गया उन्हें, इतनी बुरी दशा क्या बतावें, लगवा हो जाने के कारण मंदिर जाना तो बंद हो ही गया, लेटरिन सब भाई बिस्तर पे, भोजन बिस्तर पे, हम लोग जब उन्हें मिलने जाए तो बिल खे रोए भी, पर ऐसी दशा हो गई कि अब कहीं जाना आना हो नहीं पाए, पांच साल तक एक ही कमरे में कैद जैसी स्थिति ऐसे, अरे अब तो जब देह छूट जाए, अब तो जब देह छूट जाए, विद्वान की बात कर रहे हैं, अब तो जब देह छूट जाए बस, अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, इतनी बुरी दशा। अभी जबलपुर जाना हुआ, जबलपुर में एक बहुत नामी वकील था, जबलपुर हाई कोर्ट का, बहुत ही अपने जैन समाज में, और संयोग से लगवा हो गया तो बिल क्या बिल्कुल बच्चों जैसा, बिल्कुल क्या हुआ ये, ध्यान से सुनो मैं आपको समझाता हूं, मैं इस मामले में एक बात कहता हूं, अंतिम समय में आप नहीं सुन पाओगे प्रवचन, ये बात पक्की है, एक काम करो भाइयों, जब आपके कान ठीक हैं आप स्वस्थ हो इतना सुन लो कि अब सुनने की जरूरत ना महसूस हो, इतना निर्णय कर लो कि अब निर्णय करने का काम बाकी नहीं रह जाए, और जब आंखें अच्छी हैं और मंदिर में हम खड़े हैं तब जिन बिंबों को इतना देखो, ऐसे देखो कि यदि अंतिम समय देखने को ना मिले तो भी हमें देखने की जरूरत महसूस नहीं हो, इसका नाम समाधि मरण है। इसमें स्वच्छता नहीं लेना, स्वच्छता की बात नहीं है, हम एक बात पूछते हैं, चलो और अभी छह महीने एक साल मंदिर देख लेते आप, मरने के बाद कहां मंदिर देखने जाओगे, तो फिर स्वावलंबन तो चाहिए ही ना आखिर में, तो फिर कहता हूं आपको निशंकता हमारी परिणति में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये आपको नापना है, है? देखो क्या कहें आपको, माता जी ने बहुत अच्छी रसोई बनाई, अब थोड़ा नमक कम रह गया किसी रसोई में, दाल में नमक कम रह गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस बात में संकेत होगा कि मुझे रसोई बनाना नहीं आती, तो कोई ने कहा क्यों सर नमक तो कम है, हाँ भैया नमक तो कम है लेकिन मैं इस मामले में निशंक हूं कि मेरी रसोई अच्छी है, नमक कम है बस, सुन लिया समझ गया थोड़ा, सुनो ये मैं निशंक हूं, आज पूजा की प्रवृत्ति की कमी जरूर हुई है, मेरी कमी नहीं हुई है, मैंने मन वचन काया से नहीं चाहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊं, लेकिन यदि कोई कमी हुई है तो प्रवृत्ति की कमी हुई है, मेरे में कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए मैं निशंक धर्मात्मा हूं। अंतिम समय की बात है, समझ में आया, व्यवहार की ही कमी हुई है, कुछ प्रवृत्ति की ही कमी है, कुछ चिंतन की ही कमी हुई है, सुनो कुछ याददाश्त की ही कमी हुई है, मेरे में कोई कमी नहीं हुई। देखो अंतिम समय में भी आफत आ सकती है,
कोई पूछे क्यों तुम्हें तो बहुत पाठ याद हैं और तुम्हें तो बहुत सारी गाथाएं याद हैं और खूब प्रवचन किए और करे हैं, तुमने सुने हैं, तो बताइए भैया बाबू मतलब क्या है? कदाचित याद नहीं आए, बिल्कुल दीनहीन होने की जरूरत नहीं है, याद की कमी हुई है, मेरे स्वरूप में कोई कमी नहीं हुई है। इस निसंगता का नाम समाधि मरण, और आप इसे नापो, इस निसंगता को नापो, इसलिए चर्चा चल रही है। आप क्यों भैया, तो फिर रोग आदि हुए कि नहीं हुए आपको? मैं तो चाहता हूं हो। वे भाग्यशाली हैं जिन्हें समय समय पर रोग आके परीक्षा ले लेता है। न्याय संघ बच्चों को, बच्चों से पूछे, बच्चों क्यों एनुअल एग्जाम होता है, एनुअल वार्षिक परीक्षा, तो टेस्ट हुए कि नहीं हुए? कि पंडित जी टेस्ट होने से फायदा है, हर महीने टेस्ट होते हैं तो हम हर महीने तैयारी करते हैं, उससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। सब सिक्स मंथली फेल हो गए तो हम घबराते, बिल्कुल नहीं फेल हो जाए तो समझ गए कि तैयारी और चाहिए। सुना अभी बीमारी आने पर कदाचित थोड़े बहुत परिणाम शिथिल हो जाए, निशंकता में कमी दिखाई दे, इन निशंकता का तो आप ज्यादा विचार कर लेना, मैंने थोड़ा कहा है, स्वरूप में निशंक उसकी परीक्षा करो आप बारंबार और बढ़ाओ उसको। सच में आपको क्या बताएं, गोष्ठी तो इन विषयों पर होना चाहिए, आपको आकर बताना चाहिए। पंडित जी देखो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, ये अपने क्या नाम थे इनके, गंभीर चंद जी से ना, वैद्य अलीगंज वाले गंभीर चंद जी, उनकी समाधि हुई, आखिरी में समाधि हुई, तो उन्होंने एक विद्वान को पास बुलाकर कहा, देखो भाई जाने कितने वर्षों से मैंने आलू नहीं खाए लेकिन मुझे जाने क्यों समोसा की याद आ रही कि कोई समोसा खिला दे। ये सच्ची घटना है वो, और चूंकि ये बात उन्होंने मुझे बता दी है प्रसिद्धि से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी के मतलब कोई कमी नहीं बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या बताई वो आपको बात बताना है। पंडित जी ना जाने कौन कौन से होता है ये विकल्प रूप बनकर आते हैं, हालांकि हम निशंक हैं, क्यों? क्योंकि खाना नहीं है ये बात तो तय है, लेकिन जो जानने में आ रहा है उसे मैं बता रहा हूं। क्या कहें अब, अपन क्या सोचेंगे, भ्रष्ट हो गए और ये सभी समाधि बिगड़ गई, आखिरकार आखिरी में आलू याद आ ही गए। अरे लेकिन आ और गए और हम रह गए, हम तो परिपूर्ण रह गए ना, लेकिन जिन्हें जिन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वे घबरा जाएंगे, अरे मर गए, अरे सारी जिंदगी पानी फिरगा, सब पड़े सुने में पानी फिरगा, सब व्रत पूजा पाठ हमारा सब धर्म भ्रष्ट होगा। कि रुक जाओ, इतने कच्चे तुम हो तो आज भ्रष्ट नहीं हुए हो, तुम पहले से ही भ्रष्ट थे। सुनाओ जिन्होंने जो ज्ञान जो स्वरूप में निशंक है, पहला अंग कौन सा है सम्यक दर्शन का, निशंकित, पहले ही वे निशंकित है और निकांक्षित हैं, इसलिए उनकी समाधि होती है। और वे उस समय भी कैसे ही उदय आए, कैसे ही रोग आए, कैसे ही विकल्प आए, वे वेद विज्ञान के बल पर आपको आप लोग अनुभव करती हैं। भैया रोग आए ये आप लोगों को भी करना है, इसलिए आपको ये बात समझाई है। थोड़ा सा और ले ली, अभी तक 5 मिनट है। देखो वास्तविक पुरुषार्थ का अवसर तो यही है, इस समय हम एवं हमारी परिणति स्पष्ट परिलक्षित होती है, क्योंकि फालतू उपयोग दुकान जा नहीं रहा, इस समय खाने बनाने में जा नहीं रहा, टीवी देखने में जा नहीं रहा, बीकरा करने में जा नहीं रहा, तो आप खुद देखना अंतिम जो आपको बीमारी होती है ना, तो जो आपको गिलानी या जो टेंशन होता है वो आपकी पुरुषार्थ की कमजोरी है, तो उस समय आपको आपकी परिणति से सामना होता है, आपको स्पष्ट भाषित होता है कि मैं नहीं चाहता हूं तो चाहने वाला अलग, और ये नहीं चाह रहा हूं फिर भी हो रहा है ये भिन्न, ऐसी दो परिणति स्पष्ट जानने में आती है रोग के काल में आपको। ये बहुत बढ़िया फायदा है, एक फायदा है। फिर क्या करो कि यही अवसर है, इस समय हमारी परिणति स्पष्ट परिलक्षित होती है, स्वस्थ दशा में क्षयोपशम ज्ञान के जोर पर अथवा वैकल्पिक ज्ञान के जोर पर यदि स्वाध्याय चिंतन चलता था तो इस समय उसकी परीक्षा हो जाएगी, प्रैक्टिकल है, और यदि निर्णय के जोर पर चिंतन चलता था, पहले निर्णय के जोर पर चिंतन चलता था कि मैं ध्रुव स्वभावी हूं, यदि निर्णय होगा आपका, मात्र विकल्प नहीं होगा, मात्र क्षयोपशम ज्ञान नहीं होगा, मात्र किताबी ज्ञान नहीं होगा और निर्णय का ज्ञान होगा, तो इस समय निर्भरता निर्भरता और निस्संकता बनी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। ये देख लेना आगे, यह मुख्यतया देह एवं भोगों से विरक्ति तथा भेद विज्ञान का अवसर है, इसे अवश्य ही फलीभूत होना चाहिए, अतः अन्य प्रकार के चिंतन की अपेक्षा इसे मुख्यता देनी चाहिए। नहीं आई समझ में? देखो भाई
ऐसे समय में यदि आपके रिश्तेदार आ जाए तो आपको क्या लगता है, चलो जी अच्छे आ गए, टाइम कट जी, हम लोग टाइम कट जी, जी अच्छे आ गए जी। और गलत बात है, और ये बहुत बुरी बात है कि बीमारी के काल में टीवी देखकर टाइम काटना अथवा बी कथा करके टाइम काटना, ये नहीं करना। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप, मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं, मेरे को एक भाई ने पूछा, पंडित जी हम इस बात से बहुत परेशान हैं, जब जब मेहमान आते रहते हैं कुछ ना कुछ बातों में कट सी व्यवहार में बहुत टाइम चला जाता है हमारा, तो मैंने एक काम किया करो, तुम्हें बी कथा नहीं करना हो, जैसे कोई दरवाजा खटखटाया तो जल्दी से पलंग पे जाकर लेट गए, व्यवस्था कर लो जल्दी से पहले पट्टी बांध दो, एक पट्टी बांध दो और फिर दरवाजा खोलो, ऐसे कहा ये कैसे और फिर बस जाके फिर पलंग पे लेट जा, और भाई ये तुम अच्छे आ रहे, जरा छह डाला सुनाइयो मेरे अब बी कथा से तो बचोगे। अरे कोई मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, अपना प्रयोजन साधना है, सावधान रहो, बेफिक्री में बी कथा करो, आकुलता करो, और देख लेना आप जब कोई चर्चा होती ना तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता जरूर है, अरे ऐसी करी उनने, बड़ी खराब आदमी है, और जो व्यर्थ का द्वेष, अच्छा अच्छी शादी भाई, अच्छो मिलो, और जो व्यर्थ का राग, मैंने एक दृष्टांत, मैंने आप उससे बी कथा करोगे राग और द्वेष ही तो बढ़ाओगे। रहन दे, आप पहले सीखे आज तो सीने में बहुत दर्द है, चलो अच्छे आने बस उससे धर्म की सुना आपकी तरह पाठ सुना, और कभी बात करे बहुत स्थिर पिरा रहा हो तुम तो जीवा अब अपने कहा लेने राग देश करके फालतू की बी कथा, हमें क्या लेना देना, बिल्कुल आप तो कह दो साहब बचना चाहिए। देखो ये देखो, आपने परिणाम जितना बिगाड़ोगे उतने कर्म बंद होंगे, उतने आपको भुगतने पड़ेंगे, इसलिए एक बहुत अच्छा उपाय है समझ आया ना, इस तरह से अपना उपयोग व्यर्थ में लगा करके, व्यर्थ के कामों में ना लगा करके और व्यर्थ की वार्ता ना करके अपने स्वरूप से अनुसंधान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब अंतर में भेद विज्ञान कमजोर पड़े तो स्वास्थ्य स्वाध्याय करना चाहिए, स्वास्थ्य स्वाध्याय करने की ताकत ना हो, शरीर की स्वस्थता और शुद्धता, स्वस्थता और शुद्धता इतनी ना हो कि हम सांस पढ़ सकें, तो फिर सुनना चाहिए, लेकिन इसके सिवाय भी कथा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन वो होता उल्टा है, हालांकि ये आप जानो, हम तो पॉजिटिव बता रहे हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे, इसमें और पॉइंट है अभी कि बीमार होने के क्या क्या फायदे हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊ, देहांत के समय में तुम्हें को न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं, जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से हिलो लगी हो दुर ध्यान को भगाऊं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाम, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, बोषावधान रखे गाफिल न होने पाऊं, जीने की हो न बांचा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हजाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, मैं राज
संपदा स्वामी रखो देहांत के ओ हम प्रार्थनाय जीवन दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाय भाऊं देहांत के समय में